मेरी बात मानो, शादी के लिए तुम हमें विवश ना करो। सुनी भी अपनी जिद पर ही रही है महाराज, उत्तान प्राद बार बार समझा रही, तुम्हें हो क्या गया है? जब नहीं मानी तो महाराज उत्तान प्राद को विवश होना पड़ा। ये सूरज के साथ में शादी करके लाई, सूरज अपनी इच्छा अनुसार ही चलने वाली थी उसके साथ। महाराज जब शादी करके लाए हैं, सुनीत ने सुना हमारे महाराज ने मेरी बात मान ली, शादी करके लाए, तो बड़ी खुश हुई। दासी को भेज दिया, तो मेरी बहन को अंदर लेके आओ। दासी जब सामने पहुंची है, दोनों हाथ जोड़ करके प्रणाम किया, फिर एक बात कही, आप बोला से कदम नीचे रखो, तुम्हारी बड़ी बहन ने हमें भेजा है तुम्हें बुलाने के लिए। बड़ी बहन का नाम सुना तो उठ के खड़ी हो गई दासी। बड़ी बहन किसे कह रही है? मेरी तो कोई बड़ी बहन है ना। बोली आप तो नाराज हुए, महाराज उत्तान पाद की बहनी भी भाई। दासी इसका मतलब ये घर में हमारे सौत है? बुला दीजिए मेरे महाराज को, उन्होंने मेरे साथ में बहुत बड़ा अच्छा किया। धोखा। उत्तान पाद साहब ने पहुंचे, हमें बुलाया, तुम्हें बुलाया, क्या हुआ? अज्ञान बन रहे आप, हमें सत्य बात बताइए। घर में एक स्त्री थी, पर तुम हमें लेके क्यों आए? और हमें इस घर में बिल्कुल नहीं रहना जिसमें हमारी सौत रह रही हो। खड़े खड़े चेहरा की तरफ मत देखो, मेरा दूल्हा वापस करवा दीजिए।
महाराज तो कुछ बोल ही नहीं पाए, केवल एक ही बात सोच रहे हैं, मैंने अपनी रानी से कितना इनकार किया, कितना मना किया, लेकिन उन्होंने कोई बात नहीं मानी, अब क्या करें। उधर सुना है सुनीत ने, हमारे महाराज हमारे कहने के अनुसार शादी तो घर के लिए आए, लेकिन अब वो महलों के अंदर नहीं आ रहे, सामने निकल करके पहुंच गई। एक बात भाई देखो बहन, मैंने ही अपने पति का विवाह करवाया, और विवाह मैंने इसलिए करवाया हमारे गर्भ से कोई पुत्र नहीं हुआ। अब आप ऐसा करो, आप यहाँ रानी बन के रहना है, मैं तो तुम्हारी दासी के समान है, मैं तुम्हारे घर का काम करती रहूंगी, मैं तुम्हारे गर्भ से जो भी बालक होगा तुम्हारे बच्चे को खिलाती रहूंगी। सूरज उठ के खड़ी हो गई। एक बात हुई महाराज, पहली बात तो ये है कि मैं इससे कोई बात ही करना नहीं चाहती, आपसे मेरा ये कहना, ये कह रही हम तुम्हारे बच्चे को खिलाते रहेंगे, क्या आपको विश्वास है ये मेरे बच्चे को खिलाएगी? अरे महाराज नहीं, बिल्कुल नहीं, ऐसा हो नहीं सकता। मुझे बिल्कुल भी नहीं रहना इस घर में जिसमें हमारी सौत रह रही हो, समझे आप? खड़े खड़े चेहरा की तरफ मत देखो, बोला वापस करवा दीजिए। सुनीत ने जब इतने शब्द सुने तो आंखों से आंसुओं की धारा बहने लगी। मैं ये तुम क्या कह रही हो? मेरे हृदय में पहले से अगर ऐसे विचार होते तो क्या मैं अपने पति का विवाह करवाती? मैंने कहा नहीं, तुम यहां रानी बन करके रहो, मैं तो तुम्हारे दासी के समान हूं। सूरज जी कहने लगी, महाराज आप मेरी बात क्यों नहीं सुनते हो? मैंने जब एक बार यही कह दिया कि हमें इससे बात ही नहीं करनी है, एक बार नहीं हजार बार मेरा यही कहना, और वो ये बोली, महाराज महाराज, मैंने जो कह दिया वो कह दिया, मुझे नहीं रहना है तो नहीं रहना है। सुनीत कहती है, बहन कोई बात नहीं, अगर तुम हमारे रहते हुए नहीं रह रही हो तो कोई बात नहीं, मैं यहां से चली जाऊं। सूरज जी बोली, फिर ये खड़ी खड़ी आंसू किसे दिखा रही है? अगर तू जा रही है तो चली जा, इन आंसुओं का मुझे कोई दुख नहीं है। तू मेरे खानदान की नहीं, समझी? रहना है महलों में रानी बन के नहीं, गांव के बाहर तेरी एक झोपड़ी डलवा दी जाएगी, उसी में एक चक्की रखवा दी जाएगी, सारे दिन तू काम कर, शाम को एक सेब छो तुझे मिलेंगे, अपने हाथों से पीस, रोटियां बना, नमक के साथ में खा। बोली बहन कोई बात नहीं, मेरी किस्मत में अगर यही लिखा है तो उसे कोई नहीं कर सकता।
सूरज महलों में रानी बन के रहने लगी। सुनी थे गांव के बाहर सारे दिन काम करती है, धीरे धीरे जब समय बीता है लेकिन सुनीत सूरज के भी गर्भ से संतान नहीं हुई। तो रात का समय था, सुनीत झोपड़ी में बैठी है, नींद नहीं आ रही। वही बात सोची, मैं घर से बेघर हो गई लेकिन उनके भी गर्भ से कोई पुत्र नहीं हुआ। मेरे ऊपर तो दुख ही दुख है, दुख के अलावा और कुछ भी नहीं है। इससे अच्छा तो यह है कि मैं अपने प्राणों को दे दूं। यही बात को सोच करके उस झोपड़ी से निकल के जब चली है जंगल की तरफ बढ़ने के लिए, आंखों से आंसुओं की धारा बह रही है। सोचती हुई जा रही है, परमात्मा मुझे नहीं मालूम कि क्या खबर थी हमें, पहुंची है। रात का समय था और जंगल में घुस नहीं पाई। देव योग से ऋषि नारद आ गए। नारद ने देखा तो सामने पहुंच गए। नाम क्या है तुम्हारा? रात के समय यहां क्या करने आए? बोली, महाराज मेरा नाम सुनीत है, मैं यहां मरने के लिए आई। ऋषि नारद कहते हैं, सुनीत तुम्हें नहीं मालूम क्या, आत्महत्या से बड़ा कोई पाप नहीं होता, और फिर तुम मरना क्यों चाहती हो? सारी बात बताई। महाराज, हमारे घर से कोई संतान नहीं हुई, मैंने अपने पति का विवाह करवाया, मैं घर से बेघर हो गई, फिर भी कोई पुत्र नहीं, अब तो मेरे ऊपर दुख ही दुख है, इसलिए मैं यहाँ पर मरने के लिए। नारद कहते हैं, अगर ऐसी बात है तो तुम मरो नहीं, तुम घर लौट करके जाओ, मेरी बात पर विश्वास करो, तुम्हारे घर से बहुत सुंदर पुत्र होगा। जैसे नारद की बात पर विश्वास करके सुनी थी, जब घर पर लौट करके आई है, हमेशा नारद की बात इसके दिमाग में घूमती रहती है, कब वो समय आएगा तब एक पुत्र मेरी गोद में खेलेगा। धीरे धीरे एक दिन महाराज उत्तान पास सिपाहियों को साथ में लिया है, तो ये जंगल में शिकार खेलने के लिए गए। सारे दिन तो शिकार खेलते रहे, शाम के समय जब ये लौट के आए सुरजी के दरवाजे पर पहुंचे, क्या देखा? दरवाजा तो बंद है। आवाज लगाई रानी, दरवाजा खोला। मैं दरवाजे पर खड़ा हूं लेकिन किसी ने आवाज नहीं दी। और आवाज भी खोल देता क्यों? देखा रानी तो पहले से ही सोई हुई। महाराज उत्तान पर दरवाजा खटखटा रहे हैं, दरवाजा खटखटाते रहे खटखटाते रहे। उसके बाद Thank you.
सुनीत का जब ध्यान आया तुरंत ही अश पर सवार होकर के सुनीत के नजदीक पहुंच गए। सुनीत ने देखा तो बाहर निकल के आई, अच्छा आसन तो नहीं था, उसी घास के ऊपर बड़े प्यार से बैठा दिया। आई महाराज, महाराज उत्तान प्राप्त बैठ तो गए, लेकिन एक बात कही रानी, तुम अगर उस दिन मेरी बात मान लेती तो शायद आज ये दिन तुम्हें देखने के लिए नहीं मिलता, हम तो तुम्हारे ऊपर दुख ही दुख है। सुनीत कहती है, महाराज आपको कैसे मालूम हमारे ऊपर दुख है? पत्नी को चाहिए पति बड़े सुख से रहे, बोले पति के ऊपर कोई कष्ट नहीं है, कोई कलेश नहीं है, तो पत्नी तो उससे पहले ही सुखी है। और ये बिल्कुल सत्य है। क्यों? एक कवि कहते हैं, Thank you.